तो दोस्तों प्रॉब्लम को अच्छा करके देखिए किस तरह प्रॉब्लम आ रहा है। पिक्चर ओके आ जाता है तुरंत, कुछ सेकंड का अंदर ही इसका जो प्रॉब्लम ये देखा जाता है। इसी तरह इसका प्रॉब्लम है लाइनिंग, लाइनिंग प्रॉब्लम है, ये ऊपर से नीचे और लेफ्ट राइट दोनों साइड से भी प्रॉब्लम शो हो रहा है। तो दोस्तों इसी तरह जो प्रॉब्लम है कैसे रिपेयर किया जाता है, शॉर्टकट तरीका क्या है, तो आपको ये वीडियो के अंदर देखाऊँगा। आप प्रॉब्लम को अच्छा करके एक बार देखिए। पिक्चर तो कभी कभी ओके आ जाता है और उसका साथ साथ ये पिक्चर चला जाता है, लाइनिंग आ जाता है। तो चलिए मैं ऑडियो वीडियो कॉड ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये नो सिग्नल लिखा जो देखिए कभी कभी रुक जाता है और ये लाइनिंग लाइनिंग आ रहा है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम, ये इंटेक्स कंपनी का टीवी है। तो चलिए मैं आपको इसका बैक कवर का पीछे आपको दिखाता हूँ कि इसका इंटेक्स कंपनी का जो मॉडल नंबर यहाँ पर सब सब लिखा है, देखिए LED 3220 ये इसका मॉडल नंबर है। तो चलिए ये सब ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम को कैसे आसानी से रिपेयर किया जाता है। तो दोस्तों इसका बैक कवर तो मैं ओपन करके आपको दिखाया और अभी इसका अंदर जो मेन मदरबोर्ड देखिए इसी तरह इसका मदरबोर्ड है और मदरबोर्ड का मॉडल नंबर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसका मदरबोर्ड नंबर है, ठीक है, इसका मदरबोर्ड नंबर यहाँ पर लिखा है और इसका जो मेन पैनल है पैनल नंबर भी आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों इसका LVDS केबल आप यहाँ पर देख सकते हो और इसका साथ है कॉन्वर्टर यहाँ पर लगाया और उसके बाद ये जो पैनल है, ये पैनल का नीचे कुछ भी पार्ट्स नहीं है, इसका ऊपर का अंदर ही जो पार्ट्स देखा जाता है यही इसका अंदर पार्ट्स है, ठीक है। और ये पैनल नंबर यहाँ पर लिखा है, चलिए मैं आपको क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ, आप देख लीजिए इसका पैनल नंबर यहाँ पर लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, तो चलिए मैं इसका ऑडियो वीडियो कनेक्ट करके ही रखा हूँ और चलिए मैं इसी टाइम आपको सप्लाई देकर एक बार दिखाना चाहता हूँ कि आप खुद ही एक बार देख लीजिए इसके इंडिकेटर यहाँ पर रेड जल रहा है और जब ब्लू हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, देखिए ऑन हो गया। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इंटेक्स लिख आ रहा है और उसके साथ इसी तरह ये जंपिंग कर रहा है, पिक्चर भी आ रहा है और पिक्चर आने के बाद भी इसी तरह ये जंपिंग कर रहा है और लाइनिंग भी आ रहा है जो आपको फर्स्ट टाइम दिखाया, ठीक है, ये इसका प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। तो एक्चुअली दोस्तों ये पैनल का प्रॉब्लम है तो पैनल चेंज करना पड़ेगा। तो उसका पहले आप कुछ ट्रिक ट्राई करके देख सकते हो, चलिए मैं आपको लाइव भी करके दिखाऊंगा कि ये जो पैनल है, ये पैनल का ये साइड कुछ पार्ट्स है, ठीक है, और ये साइड भी कुछ पार्ट्स है, ठीक है। तो दोस्तों इसका ये जो दो कॉप वाला ये पैनल है, यहाँ पर एक कॉप है, यहाँ पर एक कॉप है, तो आप अच्छा करके देखिए यहाँ पर कुछ छोटा छोटा रेजिस्टेंस देखा जाता है। मैं अभी इसको थोड़ा सा रंग लगाया मतलब सोल्डरिंग किया और यहाँ पर भी इसी तरह कुछ रेजिस्टेंस देखा जाता है, इसको भी मैं थोड़ा सा सोल्डरिंग किया। तो आपको इसी तरह प्रॉब्लम जब देखा जाता है आपको वोल्टेज चेक करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप एक एक रेजिस्टेंस को, ये जो रेजिस्टेंस देखा जाता है एक एक रेजिस्टेंस को ओपन करके चेक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मैं फर्स्ट टाइम इधर जो रेजिस्टेंस है एक एक ओपन करके देखा, तो देखने के बाद प्रॉब्लम जैसे ही था वैसे ही नज़र में आया। इसके बाद मैं अभी चेक करके देखा कि ये जो साइट है इसके अंदर भी ये देखिए 6 रेजिस्टेंस है, ठीक है, चलिए मैं लाइट देके एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए ये साइट 6 रेजिस्टेंस है और यहाँ पर जो लिखा है वो भी आप देख सकते हो। तो इससे कैमरा लाइट का बजाय क्लियर नहीं आ रहा है, तब भी मैं आपको क्लियर करके दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ।
तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा देखिए, चलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ। ये जो फास्ट वाला रेजिस्टेंस है इसको मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ। ये देखिए ओनली एक रेजिस्टेंस को मैं ओपन कर दिया, ठीक है। ओपन करने के बाद मैं साइड रख दिया, ज़रूरत पड़ेगा तो ये रेजिस्टेंस को दोबारा भी आपको लगाना पड़ेगा, बट मैं यहाँ पर मैं रख दिया, ठीक है। और ओनली एक रेजिस्टेंस को ओपन किया, चलिए मैं दोबारा सप्लाई देख के आपको दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों आपका सामने मैं डायरेक्ट ये लाइव करके दिखा रहा हूँ, ये इंडिकेटर जल रहा है और ब्लू हो गया। और चलिए मैं पिक्चर दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों इंडेक्स लिखा भी जम नहीं कर रहा है, और देखिए पिक्चर ओके आ गया, और पिक्चर भी अभी देखिए जम नहीं कर रहा है। तो आप खुद ही देखिए ये बिल्कुल ओके चल रहा है, अभी खुद ही देख सकते हो पिक्चर का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी बिल्कुल ओके चल रहा है।